हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास 10th मैथमेटिक्स. इट इज़ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि अगर हमने 2 kg एप्पल लिए और 1 kg ग्रेप्स लेते हैं तो उनका टोटल कॉस्ट होता है ₹160. द नेक्स्ट लाइन इज आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद अगर हम यही चीज़ें परचेसिंग करने के लिए जाते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स अगर हम खरीदते हैं तो उसका टोटल प्राइस है ₹300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. हमें इस सिचुएशन की इक्वेशन भी बनानी है और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट भी करना है. सो द सॉल्यूशन इज लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹X एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹Y. हमने सबसे पहले मान लिया कि जो एप्पल है, 1 kg एप्पल का प्राइस ₹X है और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस ₹Y है. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, यानी 2 kg एप्पल्स, एप्पल की प्राइस कितना है X, इट मीन्स 2X, एंड 1 kg ग्रेप्स, अब ग्रेप्स का प्राइस कितना है Y, इट मीन्स 1Y, इज इक्वल टू इनका टोटल कॉस्ट कितना बोला था 160. ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. सेम लाइक दैट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन वी हैव 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स एंड द टोटल कॉस्ट इज ₹300. सो इस तरह से इस इक्वेशन को हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हमें इसका ग्राफ किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिया है. दोनों इक्वेशन के यूज़ करके हमें ग्राफ बनाना है. वैल्यूज़ हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको सबसे पहले हमने y की वैल्यू निकालने के लिए 2x का साइड चेंज किया. 2x प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो 2x कहाँ आ जाता है, माइनस में. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू रख रहे हैं 50. हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x. अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 50, यानी 2 × 50 इज इक्वल टू 160 माइनस 50 × 100. सो द वैल्यू ऑफ y इज 60. इस तरह से हमें y के वैल्यू क्या मिल रही है, 60. व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 80. क्वेश्चन सेम है, 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2 × 80, 160 माइनस 8 × 16. सो वी गेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, लाइक दैट. तो इस तरह से हमें जब ग्राफ बनाना है तो हमें x की वैल्यू 50 पर y मिल रहा है 60 और x की वैल्यू 80 होने पर हमें y की वैल्यू मिल रही है 0. सेकेंड इक्वेशन के हम अगर ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो सेकेंड इक्वेशन हमारा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. 4x को प्लस से हम ले गए माइनस में और 2 मल्टीप्लाई से हम ले गए डिवाइड में. अब हम x की वैल्यू रख रहे हैं 60. y का इक्वेशन हमारा सेम है, 300 माइनस 4x अपॉन 2. यहाँ पर x की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं 60, 4 × 60 अपॉन 2. 300, 4 × 6 = 24. 300 में से 240 हम माइनस करेंगे, हमें मिल रहा है प्लस 60 अपॉन 2, और 60 को 2 से डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिल रही है 30. इस तरह से x की वैल्यू 60 रखने पे y हमें मिल रहा है 30. सेम प्रोसेस के साथ x की जगह पे हम 75 रख के सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 0. अब ये दोनों टेबल हमें ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है इसका ग्राफ मैं आपको शो करने जा रही हूँ. ग्राफ पर हम 10-10 का डिफरेंस ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसी तरह से y एक्सिस पर और नेगेटिव साइड्स पर. हमारा फर्स्ट ग्राफ का फर्स्ट वैल्यू है 50, 60, यानी x की लाइन का 50 और y की लाइन पर
प्लस 60, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे आप स्केल से मैच कर लीजिए, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 50, 60। हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 80, 0, यानी एक्स एक्सिस पर 80 और वाई एक्सिस का 0, ये दोनों जहाँ पर भी मिलेंगे वहाँ पर आप सर्कल लगाकर लिखेंगे 80, 0। हमारी सेकंड ग्राफ की अगर बात करें, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर स्केल से आप एक लाइन बना लीजिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्राफ, इक्वेशन 1 का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हमारे सेकंड ग्राफ में फर्स्ट वैल्यू है 60, 30, इट मीन्स एक्स की लाइन पर 60 और वाई की लाइन पर 30, ये दोनों जहाँ मिलेंगे इसके से आप मिलाएंगे तो वहाँ पर आपको पॉइंट नोटेट करना है 60, 30। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 75, 0, इट मीन्स एक्स की लाइन का 75 और वाई की लाइन का 0 जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे 75, 0। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए आप एक लाइन डालेंगे, ये लाइन होगा हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सो लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 इन अवर CW। आई होप ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व दिस। इफ एनी कन्फ्यूजन आर देयर यू कैन रिपीट द वीडियो एंड वॉच द फुल वीडियो अगेन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1।